अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर खान और आप देख रहे हैं उमर मिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस उमरकोट में जो असामियाँ आई हुई हैं उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। इस वीडियो में आपको इसके अप्लाई करने का तरीका और इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि आपके पास कितना तालीम होनी चाहिए, आपकी कितना उम्र होनी चाहिए और यहाँ पे जो आपको स्केल मिलेगा वो तमाम की तमाम डिटेल इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू और लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले जान सकें और आप इसमें अप्लाई कर सकें। यहाँ पे मेरे पास ये इसका ऑफिशियल फॉर्म मौजूद है तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे जो पहले नंबर पे असामी है वो है जूनियर क्लर्क, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह 11 और यहाँ पे जो तालीम की ज़रूरत है वह है इंटरमीडिएट। यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वह है 18 से 28 साल। यहाँ पे जो स्कूल असामिया है वह है 1। दोस्तों, दूसरी जॉब के बारे में बात करते हैं, ये डेंटल टेक्नीशियन, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह 9 और यहाँ पे जो है आपके पास साइंस ग्रुप में मैट्रिक होनी चाहिए और यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वह 18 से 28 साल। यहाँ पे जो आपके कुल असामे मिल रहे हैं वो है 3। दोस्तों, तीसरे नंबर की जॉब के बारे में बात करते हैं, यह है हेल्थ टेक्नीशियन, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वो है 9, आपके पास मैट्रिक साइंस ग्रुप के साथ होनी चाहिए और इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वह 18 से 28 साल। यहाँ पे जो आपको कुल असामे मिल रहे हैं वह है 12। दोस्तों, चौथी जॉब के बारे में बात करते हैं, यह है आर्कियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह है 9 और यहाँ पे आपके पास साइंस ग्रुप के साथ मैट्रिक होनी चाहिए और यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वह है 18 से 28 साल तक और यहाँ पे जो आपको कुल असामे मिल रहे हैं वह है 1। दोस्तों, पांचवें नंबर की जॉब को बारे में बात करते हैं, यह है लेडी हेल्थ विजिटर, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह 9, यहाँ पे जो आपके पास साइंस ग्रुप के साथ मैट्रिक होनी चाहिए, इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वह 18 से 28 साल तक और यहाँ पे जो आपको कुल असामे मिल रही है वह है 35। दोस्तों, छठे नंबर पे है डिस्पेंसर, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह 9, यहाँ पे जो आपके पास साइंस ग्रुप के साथ मैट्रिक होनी चाहिए, इसमें जो एज याद रखी गया वो 18 से 28, यहाँ पे जो है आपको 56 असामियाँ मिल रही हैं। दोस्तों, सातवें नंबर पे है मैकेनिक, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह 7 और यहाँ पे जो है आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए, यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 28 में और यहाँ पे जो आपको स्केल मिल रहा है वह 1। दोस्तों, आठवें नंबर पे है हेल्थ इंस्पेक्टर, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है 7, यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वह 18 से 28 साल, यहाँ पे जो कुल असामे मिल रहे हैं वह 2। दोस्तों, नौवें नंबर की जॉब के बारे में बात करते हैं, लेबॉरेटरी असिस्टेंट, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह 6, यहाँ पे जो आपके पास तालीम होनी चाहिए वह मैट्रिक पास, आपकी एज होनी चाहिए वह 18 से 28 साल, यहाँ पे जो कुल असामे है वह 1। दोस्तों, दसवें नंबर पे है वैक्सीनेटर, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह 6, यहाँ पे जो है आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए और इसमें जो एज की अदर की है वह 18 से 28 साल तक, यहाँ पे जो कुल समय है वह है 5। दोस्तों, ग्यारहवें नंबर पे है मिडवाइफ, इसमें जो आपको स्केल मिल रहा है वह 6 और इसमें जो आपके पास साइंस ग्रुप के साथ मैट्रिक होनी चाहिए, इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वह 18 से 28 साल, इसमें जो कुल समय वह 37। दोस्तों, बारहवें नंबर पे है ओटी असिस्ट, यहाँ पे जो आपके पास तालीम होनी चाहिए वह मैट्रिक पास, इसमें जो एज की अदर की है वह 18 से 28 साल, इसमें जो आपको कुल समय मिल रही है वह 1। दोस्तों, और भी यहाँ पे आपको इसकी डिटेल देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अप्लाई करने का तरीका भी इस फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।